हेलो दोस्तों, कैसे हैं? आज एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो रहा हूँ आपके चैनल आई आई टी सर्विसेज में। दोस्तों, यूपी बोर्ड का जो एग्ज़ाम है वो शुरू होने वाला है और इसमें जो है कितने नंबर पाए क्लियर रहेंगे तो आप सीधे फेल हो जाएंगे, तो इसलिए वीडियो को आप ज़रूर देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है, इसी तरह वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और चैनल को लाइक करना ना भूलें। चलते हैं वीडियो की तरफ, मैं पूरी बात दिखा देता हूं। दोस्तों, सबसे पहली चीज़ कि आप ये समझ लो कि आपके एग्जाम जो है वो 22 फरवरी को शुरू होने वाले हैं। इसके लिए मैं आप सबको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ, चाहे वो टेंथ का हो या ट्वेल्थ का हो, किसी का भी हो। तो उसमें जो है क्राइटेरिया जो है कितना होता है क्या है, लेकिन ये समझ लें कि जो एग्ज़ाम है उसका एग्ज़ाम का जो है 22 फरवरी से शुरू होगा। 22 फरवरी के टेंथ का होगा, 22 फरवरी का जो है ट्वेल्थ का भी शुरू होगा। तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें इस वीडियो को, ताकि उनको भी मालूम पड़ सके जो ट्वेल्थ में या टेंथ में एग्जाम देने वाले हैं। तो यहां पर मैं आपको एक क्राइटेरिया दिखा दूं कि हाई स्कूल का जो नंबर है वो 600 होने वाला है, ठीक है, और इंटरमीडिएट का 500, यानी आपका जो हाई स्कूल के एग्जाम में जो पेपर होंगे वो 6 पेपर होंगे, ठीक है। इस चीज को आप समझ लें, यानी आपको टोटल जो पेपर देना है वो 6 पेपर देना है और इंटर में आपको 5 पेपर देना है, तो 500 में आपका ये होगा, ठीक है। ये चीज तो हो गई दोस्तों। अब नंबर की बात हो रही है कि कितने नंबर पासिंग रहेंगे, क्या रहेंगे, तो वो मैं आपको आगे इसकी वीडियो में क्लियर करने बाद फिर बताता हूँ। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसा आप सब जानते हैं कि यूपी बोर्ड के स्कूल उम्मीदवारों को 180 नंबर प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए उपलब्ध करा दिया जाता है, यानी कॉलेज कॉलेजेस के थ्रू आपका प्रैक्टिकल या प्रैक्टिकल का नंबर जो है उस वो सारा नंबर जो 180 नंबर जो है दिया जाए, बाकी 420 नंबर को परीक्षा लिखित रूप से होती है, यानी 180 नंबर से जो है वो आपका एग्जाम होता है यूपी बोर्ड का, उसमें जो ये सारी चीज़ें दी गई हैं। अब यहाँ पर जो है इसके क्राइटेरिया क्या है, कैसे हैं, 420 नंबर आपको लिखित, यानी आप अब अंदाज़ा लगा लो कि 180 में से माइनस करो, माइनस करने के बाद 420 नंबर में ही आपको लिखित एग्जाम होना है, ठीक है। यानी 600 का पेपर हो गया, ठीक है। अब आप 600 के पेपर को आप देख लीजिए, मैं 600 और उसमें से 180 माइनस करेंगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ जो है एग्जाम देना पड़ेगा टोटल का 420 नंबर, यही नंबर आपको लाना होगा आपके रिटेन एग्जाम में, यही आपके एग्जाम में आ जाएगा आसानी के साथ, ठीक है। तो मैं थोड़ा और पूरी बात को क्लियर करता हूँ, लाना होगा और सबसे ज्यादा अंक जो है होंगे, मतलब कि 60% में आपको 360 से ज्यादा आपकी फाइल ले जाए होंगे, यानी अगर आप 60% नंबर आता है, 60 नंबर पर पेपर में आता है तो आप फर्स्ट डिवीजन में हो जाएंगे। यहाँ पर नंबर कितने हैं और यही चीज क्राइटेरिया जो है इंटर में भी रखा गया है, ये सारी चीज़ें। तो मैं आपको यहाँ बता दूँ कि जो नंबर पासिंग का क्राइटेरिया है वो 33 नंबर से कम अगर आपके आते हैं, यानी ये समझ लीजिए कि आपका 60 जो होगा ये फर्स्ट होगा, ठीक है, और अगर क्या नाम है 45 होगा तो ये, यानी 45 होगा तो ये आपका सेकंड होगा, और अगर 33 होगा तो ये थर्ड होगा, ठीक है। ये चीज़ को आप समझ लीजिए कि आपका जो नंबर है 100 से लेके 60 के बीच में अगर आपका नंबर आता है, 100 से 60 तक आता है, तो ये आप फर्स्ट कहलाएंगे, और अगर आप 59.99 भी है आपका नंबर और ये 45 तक आपका आता है तो ये सेकेंड में हो जाएगा। 45 से ये 4.99, ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा, और डैश 33 अभी आपका होता है तो 33 जो है ये थर्ड में आ जाएगा। अब 32.99 जो नंबर है आपका, ये आपका फेल में आ जाएगा, यानी इससे आगे हो जाएंगे। तो आप इस चीज़ को अच्छे समझ लें कि आपको जो नंबर लाना है वो 60% से लाना है, क्या टेंशन नहीं लेना एग्जाम में, बिल्कुल किसी भी तरीके की कोई टेंशन ना ले, और आपका जो मार्क्स है यहाँ 33% आपका पासिंग रखा गया, जो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अगर और वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी दोस्तों तो शेयर करें, और अगर कोई सवाल है तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। मिलता हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें।